हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस। और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। गाड़ी का एयर ब्रेक सिस्टम में कभी कभी छोटा प्रॉब्लम या बड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उस समय हम लोग काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी छोटा प्रॉब्लम भी कहां से हम लोग शुरुआत करें वो हमको समझ में नहीं आता है। जैसा नॉर्मली कहा जाता है, जैसा पार्किंग ब्रेक अब लगा रहे फिर भी गाड़ी में ब्रेक लग रहा है, पार्किंग ब्रेक निकल रहे फिर भी गाड़ी में ब्रेक लग रहे हैं, तो ये जो छोटा प्रॉब्लम है इसके लिए हमको काफी सोचना पड़ रहा है, जो हम कहां से चेक करें, क्या क्या चेक करें। तो इसीलिए हम लोग एक सीरीज चालू किया, क्योंकि हमारे चैनल में ऑलरेडी एयर ब्रेक सिस्टम रिलेटेड जो भी वाल्व है वो वाल्व का सारे वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। बट सारे जो वाल्व है, हर एक वाल्व का क्या क्या प्रॉब्लम होता है, यानी जैसा मान लो एयर कंप्रेसर, ड्यूल ब्रेक वाल्व या ट्रेलर कंट्रोल वाल्व, हर एक इंडिविजुअल वाल्व में वाल्व का रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसको लेके हम लोग सीरीज चालू किया। तो इसमें आपको डाउट और क्लियर हो जाएगा, जो हर एक वाल्व है वो वाल्व रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये जानकारी रहने से आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम ट्रेस करने में बहुत ही इजी होगा। तो चलिए, आज हमारा जो सीरीज है वो सीरीज का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे जो गाड़ी का एयर कंप्रेसर रहता है एयर ब्रेक सिस्टम के लिए, वो एयर कंप्रेसर रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयर कंप्रेसर के बाद जो कंपोनेंट आता है वो है एयर ड्रायर या DDU। मैक्सिमम तर गाड़ी में अभी एयर ड्रायर आ रहा है, बट कोई कोई गाड़ी में DDU यानी ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। सो एयर ड्रायर और क्वार्टरवेल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व यानी डिस्ट्रीब्यूशन वाल्व दोनों कंबाइन करके DDU बनाया है। तो पर्टिकुलरली कंप्रेसर के बाद हम लोग एयर ड्रायर को लेकर डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व या क्वार्टरवेल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व लेकर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एयर ब्रेक सिस्टम में एयर ड्रायर एक फिल्टर या आपको सेपरेटर के रूप से काम करते हैं, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में अगर हवा के साथ एयर के साथ अगर पानी या ऑयल आ गया तो उसको सेपरेट करने का काम करता है एयर ड्रायर। तो एयर ड्रायर, ये नाम से आपको काम पता चल रहा है, एयर ड्रायर का मतलब है एयर को ड्राई करना है। तो आप सोचे कि एयर के अंदर पानी या ऑयल या कूलेंट कहां से आ रहा है, तो उसके लिए हमारा जो कंप्रेसर वाली प्रॉब्लम का जो वीडियो है उसको देखने से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको बता दें, कंप्रेसर अगर प्रॉब्लम हुआ तो वहां से ऑयल और पानी आता है, वो आगे ब्रेक सिस्टम में काफी सारे वाल्व को डैमेज कर सकते हैं, या वाल्व का जो सील है या जो रबर पार्ट है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एयर ड्रायर एयर ब्रेक सिस्टम में यूज करते हैं, ताकि हमारा एयर ब्रेक सिस्टम में जो भी एयर जो बिल्कुल ड्राई होकर जाएगा, उसके अंदर कुछ ऑयल या मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो एयर ड्रायर रिलेटेड एयर ब्रेक सिस्टम में ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं आता है, मैक्सिमम तो दो या तीन प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको लेकर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम एयर ड्रायर में आता है लीकेज का प्रॉब्लम। तो लीकेज का प्रॉब्लम मतलब एयर वहां से लीकेज हो रहा है। तो बेसिकली एयर ड्रायर का किस पार्ट में लीकेज होता है, एयर ड्रायर में आपको नीचे तरफ अनलोडर वाल्व फिट रहता है। तो अनलोडर वाल्व का काम है सिस्टम में प्रेशर बराबर मेंटेन रखना, यानी कट आउट प्रेशर 8.1 बार, जो यूनिवर्सल एयर प्रेशर होता है 8.1 बार एंड कट इन प्रेशर 7.1 बार। सो ये जो अनलोडर वाल्व वो एयर ड्रायर का नीचे तरफ फिट रहता है, उसके साथ एयर ड्रायर का जो साइलेंसर है या नॉर्मल भाषा में जो चिकनी बोलते हैं वो फिट रहता है। तो कभी कभी आप देखे होंगे वहां से हमेशा कंटिन्यूअसली थोड़ा सा एयर आपको लीकेज हो रहा है, या सिस्टम प्रेशर हमारा 5 या 6 है फिर भी हमारा वहां से हल्का हल्का एयर लीकेज हो रहा है। तो उसी कंडीशन में क्या करना है, सिंपली आपको साइलेंसर यानी एयर ड्रायर का जो चिकनी है उसको निकालना है, अनलोडर वाल्व को निकल के पानी से बढ़िया वॉश करके, अगर हमारा सील ज्यादा डैमेज नहीं हुआ यानी सील का कंडीशन ठीक है फिर भी लीक हो रहा था, उस कंडीशन में उसको बढ़िया पानी से वॉश करके वहां पे ग्रीस यूज करके फिर उसको लगा दीजिए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये जनरली मैक्सिमम तर गाड़ी में होते रहता है। सो सेकंड प्रॉब्लम ये है कि सेकंड प्रॉब्लम एयर ड्रायर का साथ में ये होता है कि जैसा मैंने शुरुआत में बताया, सेपरेटर या फिल्टर का काम करते हैं एयर ब्रेक सिस्टम में। सो तो एयर ड्रायर के बाद एयर कहां जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होके जाता है एयर टैंक में। तो कभी कभी आपने जो एयर टैंक का सेफ्टी वाल्व है उसको दबा के पानी निकालवाते हैं, तो पानी के साथ साथ में कभी आप देखे होंगे ऑयल भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है एयर ब्रेक सिस्टम में ऑयल एंट्री हो रहा है। तो ये ऑयल कहां से आ रहा है, ये तो बिल्कुल हम ट्रेस करेंगे, उसको आने के एक ही रास्ता है वो है एयर कंप्रेसर, बट हमारा बीच में जो एयर ड्रायर है वो बराबर काम नहीं कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, आपको कंप्रेसर फेल होने से मैक्सिमम यानी ज्यादा ऑयल आपको एयर के साथ भेज देता है आपको एयर ब्रेक सिस्टम में।
तो उस कंडीशन में एयर ड्रायर का जो फिल्टर है, क्योंकि एयर ड्रायर के अंदर कोलोसेंट फिल्टर एंड डेसिगेंट बेड बोल के दो फिल्टर रहते हैं। डेसिगेंट बेड फिल्टर का काम यह है कि आपको एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको वहीं पे एब्जॉर्ब कर लेना। देन कोलोसेंट फिल्टर का काम है एयर के अंदर जो भी ऑयल पार्टिकल है उसको वहां पे एब्जॉर्ब करके एटमोस्फेयर में रिलीज कर देना, बट एयर को फ्रेश करके एकदम बिल्कुल ड्राई करके आपको सिस्टम में भेजना है। बट कंटिन्यूअसली जब एयर के साथ ऑयल या पानी आते रहते हैं उस कंडीशन में फिल्टर का भी कैपेसिटी होता है फिल्ट्रेशन करने का। तो जब फिल्ट्रेशन करने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, वो फिल्टर बराबर कर नहीं पाता, ऐसा कंटिन्यूअस एयर के साथ ऑयल आ रहा है बट उसको एक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, कैपेसिटी जब ओवर हो जाता है उस कंडीशन में आपको एयर ड्रायर एयर के साथ ऑयल भी पास करता है आगे सिस्टम में, जो जो ऑयल जमा होता है आपको एयर रिजर्वर टैंक में। सो अगर एयर रिजर्वर टैंक में आपको ऑयल पार्टिकल दिख रहा है या मैक्सिमम कूलेंट दिख रहा है तो उस कंडीशन में सिंपली आपको एयर ड्रायर का जो फिल्टर किट है या सीलिंग किट है वो चेंज करना है। ऑब्वियसली आपको पीरियडिकली मेंटेनेंस जब होते हैं उस कंडीशन में फिल्टर तो बिल्कुल चेंज करना है। जब आपको एयर कंप्रेसर फेल होगा यानी ज्यादा ऑयल और पानी फेंक रहे हैं उस कंडीशन में भी अगर कंप्रेसर का ओवरऑल किया तो उस कंडीशन में आपको एयर ड्रायर का ओवरऑल करना भी जरूरी है, उसका अंदर जो सील किट है या फिल्टर किट है उसको भी बदलना जरूरी है। तो ये हो गया सेकेंड प्रॉब्लम। और नंबर थ्री थर्ड प्रॉब्लम ये होता है कि आपने एयर ड्रायर को ओपन किया या डीडीयू को ओपन किया, ओपन करके उसको पूरा ओवरऑल किया, ओवरऑल करने के बाद हमेशा ये प्रॉब्लम आता है कि अनलोडर वाल्व का सेटिंग बराबर नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया एयर ब्रेक सिस्टम में यूनिवर्सल जो प्रेशर है मैक्सिमम प्रेशर है 8.1 bar। तो आपने अगर मेंटेनेंस करने के बाद एयर ब्रेक सिस्टम में प्रेशर हाई नहीं हो रहा है यानी 6 bar तक जा रहा है या 5 bar तक जा रहा है या 7 bar तक जा रहा है, उसके आगे चढ़ ही नहीं रहा है प्रेशर, उसी कंडीशन में अनलोडर वाल्व को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अनलोडर वाल्व को एडजस्टमेंट करके आपको प्रेशर 8.1 bar तक रीच करना है, और ये हो गया कट आउट प्रेशर, और कट इन प्रेशर होता है 7.1 bar। तो ये तीन प्रॉब्लम छोड़ के एयर ड्रायर या डीडीयू में बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर या कोर ट्रेवल सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व को लेके। तो आई होप इस वीडियो से आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया जो एयर ड्रायर रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इसलिए दबाना ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।